उद्योग नगरी कानपुर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई टेक्नोलॉजी को लागू किया जा रहा है। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ICCC कंट्रोल रूम में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को शुरू किया गया। इस नए प्रोजेक्ट के शुरू होने से न सिर्फ चौराहों पर सिग्नल खुलने का इंतजार कर रहे वाहन चालकों का समय बचेगा, बल्कि लगातार चल रही गाड़ियों का ईंधन भी कम यूज होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रैफिक कंट्रोल कर तेजी से प्रदूषित हो रहे पर्यावरण की रोकथाम में भी काफी हद तक मदद मिलेगी। देखिए, AI का हम लोग ने प्रयोग करके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो जो चौराहों पर ट्रैफिक लाइट का संचालन हो रहा था, उसमें अभी क्या हो रहा था कि एक तय समय सीमा पे ही वो ट्रैफिक लाइट रेड से ग्रीन और ग्रीन से रेड होती थी, तो उसमें अगर पब्लिक नहीं भी निकल रही है तो भी वो समय सीमा के पूरा करेगी और उसके बाद ही रेड लाइट को ग्रीन, वो ग्रीन को रेड करेगा। तो उसमें दूसरे अप्रोचेस पे खड़े हुए लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी और टाइम भी खराब होता था और ईंधन का भी प्रयोग जो है वो लगातार बेकार होता था, उसमें एनवायरनमेंट में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अब हम लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके ये कर दिया है कि जितने भी समय तक पब्लिक निकल रही है, अगर समय उसका बचा हुआ है, ट्रैफिक लाइट को जलने का समय, ग्रीन लाइट का समय बचा हुआ है और 5 सेकंड तक अगर ट्रैफिक लाइट में अगर उस अप्रोच से कोई नहीं निकल रहा है तो वो ये ट्रैफिक लाइट 5 सेकंड तक वेट करेगी और उसके बाद उसको रेड कर देगी और दूसरी वाली अप्रोच को ग्रीन कर देगी, जिससे जो लोग लगे हुए खड़े हुए हैं और उनको वेट करना पड़ रहा है और देख रहे हैं कि कोई नहीं निकल रहा है तो उनको समय मिल जाएगा और वो अपने समय से निकल जाएंगे। तो उसमें उनके समय की कीमत जो है बचत भी होगी और एनवायरनमेंट को भी उससे बहुत फायदा होगा। अगर आप अपने किसी निजी वाहन या पब्लिक कन्वेंस से कहीं जा रहे हैं तो सामने वाली लेन में ट्रैफिक ना होने पर भी आपको रेड लाइट की वजह से चौराहों पर रुकना पड़ता है। दरअसल आपकी समस्या का निवारण करने के लिए कानपुर स्मार्ट सिटी ने AI टेक्नोलॉजी की शुरुआत कर दी है। इसको लेकर 15 चौराहों पर सफल प्रयोग भी किया जा चुका है और इसके बाद 35 अन्य चौराहे चिन्हित कर लिए गए हैं जिस पर भी इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग हो जाने के बाद न सिर्फ आपके समय की बचत होगी बल्कि पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण भी इससे नियंत्रित किया जा सकेगा। कैमरामैन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित,